पुरुषों को जिन्होंने इस देश में समता समानता की लड़ाई लड़ी, समता समानता के जैसे समाज की परिकल्पना करते हुए अपने जीवन संघर्ष को अंतिम समय तक अंजाम देने का कार्य किया, ऐसे तमाम महापुरुषों को संतों को मेरा शत शत नमन, मेरा कोटि कोटि नमन। समाज साथियों, आज हम लोग, वैसे मुझे कल आना था, मैं आप लोगों के बीच में 24 घंटे विलंब से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। उसका कारण केवल ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के माहौल जो फिलहाल आप देख रहे हैं, कल अम्बेडकर जयंती पे मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जहाँ था मेरठ उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं निर्दोष व्यक्ति को उत्पीड़न न हो, मेरा माइक में ठीक करें, कहीं निर्दोष लोगों को उत्पीड़न न हो जाए, कहीं किसी जगह पे किसी गांव में किसी मोहल्ले में बाबा साहब की जयंती निकलने पर प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ऊपर से तो मैंने आदेश दिलाने का काम किया था कि कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन निचले स्तर पर कहीं की समस्या आ रही थी उसे थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित कराने के चक्कर में मुझे रात के 11 बजे उसके बाद वहां से चलता, तो निश्चित तौर पर मुझे आप लोगों से मेरी भेंट अच्छे से ना हो पाती। साथियों, आज हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब की बात मैं करूं तो उनके जीवन से मैं बचपन की तरफ लेकर के जाऊं तो मुझे वो घटना याद आती है कि सन 1900 से पहले 1901 दिन एक या दो साल पहले की घटना है कि एक बच्चा अपने स्कूल में बैठा होता है। अध्यापक पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। तो एक कक्षा में बैठे कोई बच्चा बताता है कि चंद्रमा, किसी बच्चे ने कहा कि सूरज, किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा तारे, किसी ने हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब का नाम आता है, वो बेटा भीमराव नाम का बच्चा देखता है, तो भीमराव से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है तुम बता सकते हो, तो भीमराव कहते हैं कि हाँ मास्टर जी, वो जो आपके बराबर में रखा खड़ा है वो ऐसी चीज है जिसे मैं देख तो सकता हूँ, दूसरों को पानी पीते हुए महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं छू नहीं सकता। ऐसी दृष्टांत आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब अपने भाव अपने साथ ले जाने वाली पानी की बोतल भूल जाते हैं, कोई पानी पूरे दिन पिलाता नहीं, घर लौटते हैं तो माता भीमा जैसे गले लगाती हैं, तो भीमराव कहते हैं कि माता सबसे पहले मुझे पानी चाहिए, लगातार कई गिलास पानी पी जाते हैं, तो माता भीमा पूछती है कि बेटा तुमने बोतल ले जाना भूल क्यों गया था। भीम बड़े भावुक होते हैं, माता की गोद में बस्तर रख के लेट जाते हैं। भीम ने पूछा कि माता मेरी बात समझ में नहीं आती कि मुझे प्यास लगी थी लेकिन किसी ने मुझे पानी पिलाने का काम नहीं किया, आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि मुझे पानी कोई नहीं पिलाता, क्या कारण है इसके पीछे। भीमा माता जानती सब कुछ है लेकिन भावुक हो जाती है, आंखों से आंसू बहने शुरू होते हैं और आंखों का आंसू टपक कर भीम के गाल पर पड़ता है और कह देती है कि बेटा इन बातों को भूल जा, बस तुमने पानी की बोतल एक आगे से लेकर जाया। भीम कुछ समझते और वो 7-8 साल का बच्चा, 7-8 साल के भीम अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि माँ तू चिंता मत कर, आज बेशक मुझे कोई पानी ना पिलाए लेकिन जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा इस देश में ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि कोई किसी को पानी पीने से रोक नहीं पाएगा। और भीम ने ऐसा करके दिखाया। ये दृष्टांत आपने कई बार सुने होंगे लेकिन मैं इस बात से आपको ये कहना चाहता हूँ साथियों कि बचपन में जब हम बड़ा होना शुरू करते हैं तो माँ बाप के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से हमें अपने बचपन में अपना प्रण करना चाहिए, उस प्रण के माध्यम से हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और जब प्रण होता है उस प्रण के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने का काम हम करते हैं तो उस मंजिल तक पहुँचने का काम करते हैं भीमराव के जैसे। मुझे भी इसी डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति गाजियाबाद का हिस्सा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरी जन्मभूमि यही गाजियाबाद का शिवनपुरा है, मैंने भी इसी गाजियाबाद की इन्हीं गलियों में पला बढ़ा हूँ, यही से लेकर के उस संस्कार लेकर के आगे बढ़ा और आज पूरे भारतवर्ष में चाहे आरक्षण का आंदोलन हो या बलात्कारों के विरुद्ध और पीड़ा उत्पीड़न के विरुद्ध सड़क का आंदोलन हो, कई संघर्ष की बात हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या आसाम तक जाने की बात हो, कहीं मैं पीछे हटता नहीं और आज तक का रिकॉर्ड है कहीं मैंने समझौता करने का काम किया नहीं। वर्तमान परिस्थिति पर भी बात करूंगा सम्मानित साथियों, वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ हुआ है, जो पीड़ा समाज ने झेली है, जो उत्पीड़न समाज झेल रहा है उसमें मुझे कहना है, उसमें मुझे एक बात कहनी है कि जब आंदोलन होता है, अगर आप बात करें तथागत गौतम बुद्ध की, अगर बात करें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, बात करें ज्योतिबा फुले की और बात करें आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत के संविधान शिल्पी डॉक्टर अम्बेडकर जी की, इन तमाम महापुरुषों के जीवन संघर्ष में आंदोलन तो चलता है लेकिन जब आंदोलन हमारी चूक से, हमारी भूल से या किसी के षड्यंत्र से अगर हिंसक हो जाता है तो बड़ी विडंबना होती है। क्योंकि समझ लीजिएगा साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास
महात्मा खुद गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे जीवन संघर्ष में वैचारिक आंदोलन नजर आता है। जीवन के अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सड़क का आंदोलन भी नजर आता है। अपने अधिकारों के लिए, भावी पीढ़ी के अधिकारों के लिए लड़ाई नजर आती है। हर पथ पर संघर्ष नजर तो आता है, लेकिन कभी किसी के षड्यंत्र का शिकार वो हुए नहीं, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में इस दलित समाज को, इस बहुजन समाज को, इस दबे कुचले समाज को, जिसने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, जो कभी हिंसक रहा नहीं, जो परम पूज्य बाबा साहब में विश्वास करता है और बाबा साहब के लिखे संविधान में विश्वास करता है, जो इस देश की संसदीय कार्य प्रणाली में बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करता है, कभी हिंसक नहीं रहा। लेकिन इस देश में निश्चित तौर पर कोई ना कोई षड्यंत्र ऐसा रचा गया कि दलित समाज के लोगों को बदनाम करने के लिए और दलित समाज के महापुरुषों को बदनाम करने के लिए हमारे आंदोलन को जबरन हिंसक बनाया गया। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम किसी से, क्योंकि ये समझ लीजिएगा कि हिंसक आंदोलन ज्यादा लंबे चलते नहीं। इस देश में चुकी व्यवस्था बाबा साहब की दी हुई है, ये बाबा साहब का लोकतंत्र है। भारतवर्ष की बात आप छोड़ो और भारतवर्ष के आसपास के देशों को देखोगे तो भारतवर्ष के आसपास, और इसीलिए लोग कहते हैं कि विश्व में सबसे महानतम अगर कोई संविधान है तो बाबा साहब का लिखा भारत का संविधान है, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए आज तक जिस दिन से संविधान लिखा गया इस देश में तब तक प्रकट करने की हिम्मत कर नहीं पाया। बाबा साहब ने अपना संविधान लागू करा के बाबा साहब ने देश में संविधान लिखे ये लागू कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेंगे और भारतवर्ष में सत्ता और शासन अब तलवारों के दम पर और बंदूकों के दम पर नहीं आएगा, केवल आएगा तो वैचारिक क्रांति के दम पर आएगा, विचारों के लेन देन से आएगा, और यही लोकतंत्र है। सम्मानित साथियों, और आप पड़ोसी देश आप देख रहे हैं, रात को आप सोते हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई और मिलता है, और सुबह उठो तो पता चलता है कि राष्ट्रपति बदल गए, प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन भारतीय संविधान है। ये भारतीय संविधान इस अखंड भारत को अटूट बनाता है इस भारतवर्ष में। और लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग किसी के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। और एक दिक्कत और है कि बाबा साहब जैसे महापुरुषों को इस देश में षड्यंत्र के तहत केवल दलितों का मसीहा करार देकर के खत्म करने का प्रयास किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस पावन पवित्र मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब संपूर्ण मानवता के मसीहा हैं, बाबा साहब संपूर्ण भारत के मसीहा हैं, बाबा साहब भारत ही नहीं विश्व रत्न हैं। सम्मानित साथियों, लेकिन हुआ क्या कि बाबा साहब को षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत केवल दलितों का मसीहा बता करके खत्म करने का प्रयास इस देश में किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी मुझसे पहले नाटिका चल रही थी, ऐसी तमाम माताओं को कानूनी संरक्षण देने का काम किसने किया? क्या केवल दलित महिलाओं को कानूनी संरक्षण इस देश में मिल रहा? ऐसी तमाम महिलाओं को, तमाम माताओं को, यहाँ की औरतों को, यहाँ की पत्नी को और बहन को कानूनी संरक्षण देने का काम संविधान में अगर किसी ने किया तो परम पूज्य बाबा साहब ने किया है। इस देश में सती प्रथा जैसी जब जिंदा औरत को बता दिया जाता था उस चिता पर, मुझे याद आती है राजा राममोहन राय की वो छोटी सी कहानी कि जब राजा राममोहन राय के पिता का देहांत हुआ, माता का देहांत हुआ, तो उनकी भाभी उन्होंने बड़ा पाला पोसा बड़ा किया, वो भाभी को भाभी माँ कहा करते थे। अपने भाई के देहांत के बाद उन्होंने पूछा था कि शमशान में रखी ये दो चिता किसके लिए है, एक पे मेरे भाई लेते हैं, एक मेरे भाई का शव है, दूसरे पे कौन बैठेगा, कौन लेटेगा। भाभी माँ चुप रही और कुछ देर बाद उस भाभी को बता दिया गया। वहाँ वो भाभी आग लगने के बाद कूद के भागी, लंबे लंबे पास लिए लोग पोच पोच करके उस औरत को वापस उस चिता में डालते थे। ऐसे दर्दनाक परिस्थिति में औरतें जिंदा होकर के चलती हुई अपना दम तोड़ती थी। राजा राम मोहन राय ने बड़े होकर के उस सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, लेकिन कानूनी जमा बनाने का काम, उसके विरुद्ध कानून बनाने का काम किसी ने किया तो विश्व में सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब ने किया। इस देश में 12 घंटे मजदूर काम किया करते थे, दूसरों की चाकरी किया करते थे, गुलामी करने को मजबूर था मजदूर, कोई संरक्षण नहीं, कानून की कोई रक्षा नहीं। लेकिन 12 घंटे से इस देश के मजदूरों को 8 घंटे काम करने का कानून बनाने का काम किसी ने किया है तो परम पूज्य बाबा साहब ने किया है। जो सरकारी नौकर बैठे होंगे, सरकारी नौकरों को पता होना चाहिए कि जिस पीएफ के पैसे को निकाल के आपने अपनी बेटियों की शादी की, अपने घर बनाए, मकान बनाए, कोठियां बनाई,
उस पीएफ का इंतजाम अगर किसी ने कराया है, उस पीएफ का नियम बनवाने का काम परमपुर जवाहर सर ने किया। इस देश में अगर बाढ़ और सूखे से इस देश को बचाने का सिद्धांत किसी ने दिया, जिसमें तो बड़ी वाजपेयी ने एक बार कहा भी था प्रधानमंत्री होते हुए कि नदियों को आपस में छोड़ देना चाहिए, वो नदियों को छोड़ने का सिद्धांत किसने दिया? परमपूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने कराई? बाबा साहब ने कराई। इस देश में आर्थिक नीतियां जो आज चल रही हैं, बाद में करूं तो 1910, 1915, 1920 के आसपास की, वो जो उस समय का वो पीरियड था बाबा साहब के जीवन संघर्ष का, बाबा साहब की पढ़ाई का, भारत की पहली अर्थशास्त्री पीएचडी, अर्थशास्त्र की भारत की पहली पीएचडी जिसका विषय भी था भारतीय रुपये की समस्या, इस विषय पर पीएचडी करने का काम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जिसमें भी पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बना है, वहां रह करके पढ़ाई करने का काम बाबा साहब ने किया और भारतीय रुपये की समस्या पर शोध किया और उसी शोध पर दोबारा अपनी स्टडी करने के बाद अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा साहब हैं जिनके स्टडी करने पर लोगों को जिन पर शोध करने पर लोगों को विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। सम्मानित साथियों, जो औरतों की लड़कियों की रक्षा मान सम्मान और स्वाभिमान के कानून आज हम देखने को मिलते हैं, इससे भी पहले उस समय की तत्कालीन सरकार ने जिसे पास नहीं होने दिया था, हिंदू कोड बिल पेश करने का काम परम पूज्य बाबा साहब ने किया। तो कौन कह सकता है कि ऐसे राष्ट्रपुरुष केवल दलितों के मसीहा हैं? धारा 370 आज कश्मीर की समस्या जो हम लोगों के सामने मुंह फाड़े खड़ी है, जिस पर बड़ी बड़ी राजनीति इस देश में हुई है, धारा 370 के लिखने का विरोध बाबा साहब ने किया। इस देश में एक देश और एक समान नागरिक का समर्थन बाबा साहब ने किया। इसी देश में बाबा साहब ने उस कानून के कि एक कानून होगा, एक देश होगा, एक नगर होगा, एक नागरिकता होगी, ऐसा सिद्धांत बाबा साहब ने देने का काम किया। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्र पहले धर्म पहले, कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्र बाद में या धर्म बाद में, मैं कहता हूं कि राष्ट्र ही पहले और राष्ट्र ही बाद में। ऐसे थे परम पूज्य बाबा साहब, ऐसे बड़े राष्ट्रपुरुष, नामानव को केवल दलितों के बसिया कहकर के खत्म करने का प्रयास, और उसमें भी कहीं ना कहीं हम जैसे अंबेडकरवादी भी शामिल हुए। हम अंबेडकरवादियों को समझना चाहिए कि किसी भी महापुरुष को जब खत्म करना हो, किसी भी महापुरुष को सीमित कर देना हो, और जब किसी को भी बाबा साहब कहा करते थे कि बेशक महापुरुष लोग मरते हैं, लोगों के विचार नहीं मरते ऐसी मान्यता थी, पर बाबा साहब कहा करते थे कि लोग भी मर सकते हैं और लोगों के विचार भी मर सकते हैं, अगर लोगों के विचारों के अच्छे संवाहक ना हो, लोगों के विचारों के अच्छे अनुयायी ना हो, तो ध्यान रखना आपकी और मेरी सच्ची और अच्छी समझदारी इसी बात में है। अगर हम सच में बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच में बाबा के पुत्र हैं, अगर सच में बाबा की सच्ची औलादे हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब को केवल दलितों के मसीहा बनने तक सीमित नहीं रहने देना, क्योंकि इस देश में बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। बाबा साहब को केवल एक जाति तक सीमित कर दो और किसी भी महापुरुष को खत्म करना हो, किसी भी महापुरुष को तो ये कल्पना करनी होगी 50 साल बाद इसका कोई नाम न ले, तो उसे उसकी जाति तक सीमित कर दो। जाति में जन्म लेना किसी के बस की बात नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र लिख के लोग पैदा होना जानते और प्रार्थना पत्र से लोग पैदा होते, तो सभी इस देश में चुकर पर की औलाद होते, लंबानी की औलाद होते। बल्कि मैं तो कहीं कहीं जाता हूँ, मुझे बड़े दूसरे मंचों पर लोग बुलाते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ सबका नोता, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब बिल्कुल स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। वो पोप के बुलाने पर, ईसाइयों में सबसे बड़ी गुरु पोप हैं, उनके बुलाने पर अमेरिका भी गए, उन्होंने ईसाइयत के लिए कहा कि अंबेडकर जो तुम चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, पूरे विश्व में जहाँ तुम चाहोगे रहोगे, लेकिन इसे ईसाई बन जाओ। बाबा साहब ने अस्वीकार किया। निजाम के बुलाने पर निजाम हैदराबाद की दावत कर दिए, उनके दावत को स्वीकार किया, उनके निमंत्रण को। सऊदी अरबिया बुलाए गए, सब जगह कहा गया, पर बाबा साहब कहते थे कि मैं निसंदेह इस देश की जाति व्यवस्था के विरुद्ध तो हूँ, पर मैं इस देश को तोड़ना नहीं चाहता, मैं इस देश को तोड़ना चाहता नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने भारतवर्ष की धरती पर जन्मे, भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुए, बुद्ध धर्म को ग्रहण करने का काम किया। इस देश के सत्तासीन लोगों पर, इस देश के व्यवस्था वाले लोगों पर, इस देश के नीति निर्धारण करने वाले लोगों पर परम पूज्य बाबा साहब का ये एहसान है। वरना सोच के देखो, अगर बाबा साहब उस समय देश को तोड़ने का निर्णय ले लेते तो आज इस देश को स्वतंत्र किया होता। तो इससे पता चलता है कि बाबा साहब से बड़ा राष्ट्र प्रेमी, बाबा साहब से बड़ा राष्ट्र पुरुष इस देश में कोई नहीं हुआ।
और हमें समझना चाहिए साथियों कि हम बाबा साहब के विचारों को सच में आगे बढ़ाने का काम करें। और एक बात और वो ये कि केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, अभी से कसम खा के जाना, अपने अपने मोहल्लों में चार चार पांच पांच लोगों की कमेटी बनाओ और जहां बाबा साहब पैदा हुए वहां का टूर बनाओ, जहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया वहां भी जाना शुरू करो। जब लोग कांवड़ ले जाते हैं, लोग मक्का मदीना तक की यात्रा करना कर सकते हैं सभी धर्मों के, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहां बाबा साहब पैदा हुए वहां, जहां बाबा साहब अंतिम दिनों में रहे, 26 अलीपुर रोड दूर नहीं है, ये दिल्ली पड़ोस में ही है, जाना चाहिए। अच्छा बताओ अलीपुर रोड कौन कौन गया है, हाथ करो, संख्या पे हेड कम है और ये गलत बात है। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के अंतिम दर्शन अपने अंतिम जगह के दर्शन करके नहीं आए, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर, वहां जाओ बाबा साहब की चैत्य भूमि जाओ, जहां जहां बाबा साहब का की स्मृतियां हैं जहां जा सकते हो जाओ, बाबा साहब को नमन करो। और सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि आपस में ये जाति उपजाति का झंझट छोड़ो, आप धीरे धीरे बाबा साहब को जाति से भी उपजाति तक सीमित करने का काम करो। अगर हो सके तो बाबा साहब कहकर गए हैं कि हम लोगों को आपस में आपस की उपजातियों में रोटी बेटी का रिश्ता बनाना चाहिए, हम चाय पीने का रिश्ता नहीं बना पाए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। और जब अपने बच्चों की शादी करो, अपने बच्चों के लिए सूटेबल मैच देखो, लड़का और लड़की देखने जाओ, तो केवल अपनी उपजाति का चश्मा मत लगाना। अगर सच में अम्बेडकरवादी हो, सच में बाबा साहब के अनुयायी हो, तो उपजाति का चश्मा उतारना और दलितों की अन्य जातियों तक इस संदेश को लेकर जाना, तब से अम्बेडकरवादी बनोगे और तब से अम्बेडकरवाद बनेगा। मैंने इस कसम को जहां बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वहां किया, अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका लंबा समय लंबा लिया, बस इतनी बात कि कठिन बेशक है पर मिलेगी हमें, कि क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सफिल में चलाना होता है। और मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना बनता है आशियाना, वो बड़ी ओली बड़ी हिम्मत जुटानी होती है, बड़ा एक तिनका उठाना होता है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय।